जिन्हों के बाप जनाबे वाला हयात ने अपने बाप की खिदमत कर लो। मैं जनाबे वाला बुढ़िया बाबिया रोंदिया वेखिया वे जदू बाप की जनाबे वाला शान बयान की जाए जदू मां की अजमत बयान की जाए ये जनाबे वाला चिट्टिया दाड़िया वाले रोंदिया वेखिया वे कहते ने मौलवी जी सानू जिंदगी के अंदर रज के मां के बाप की खिदमत करन दा मौका नहीं मिलिया सानू रज के इन्हां दी सेवा करन दा मौका नहीं मिलिया। रब्बे काबा की कसम है जिन्हां दे मां ते बाप याद ने इन्हां दे कोल बड़ा अच्छा मौका है अपने मां ते बाप की खिदमत कर लो। हजरात पुछो उन्हां दे कोलो जिन्हां दे बाप दुनिया दे तों टुर गए ने पुछो उन्हां दे कोलो जिन्हां दा बाप दुनिया दे तों टुर गया वे आउंदियां ने जद याद वफावां बाप दियां अथरू निकलण वे फिकरावां बाप दियां आउंदियां ने जद याद वफावां बाप दियां अथरू निकलण वे फिकरावां बाप दियां जी करदा ए मदीने दियां साईयां मदीने दियां ओन गलियां जी करदा ए मदीने दियां साईयां मदीने दियां ओन गलियां कासा फड़ के करा मैं गदाइयां मदीने दियां ओन गलियां ते आवां कोल करो मंजूरी ओते जिंदगी जाए पूरी या रसूल अल्लाह आमा कोल करो मंजूरी ओते जिंदगी हो जाए पूरी फिर पैन कदे ना जुदाइयां मदीने दियां होन गलियां फिर पैन कदे ना जुदाइयां मदीने दियां होन गलियां जी करदा मदीने दियां साईयां मदीने सारे कह लो मेरे नाल जी करदा ए मदीने दियां साईयां मदीने दियां होन गलियां ते यार तबीबा परे हट जाओ नब्ज मेरी नू हाथ ना लायो यार तबीबो परे हट जाओ नब्ज मेरी नू हाथ ना लायो मुख यार दा साड़िया दवाइयां मुख यार दा साड़िया दवाइयां मदीने दियां होन गलियां जी करदा ए मदीने दियां साईयां मदीने दियां होन गलियां कासा फड़ के करा मैं गदाइयां मदीने दियां होन गलियां। अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद दुरूद ला महदूद
अहमद मुस्तफा हजरत सैयदिना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बुलंद बारगाह दी अंदर हदीए दुरूद व सलाम दी नजराने पेश करने तो बाद निहायत ही वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम अजीम बुजुर्गो दोस्तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात अज दी ये हुसैनो जमील महफिल बसिलसिला इसाले सवाब मोहतरम जनाब बाबा जी गुलाम रसूल साहब मरहूम उन्हां दे चेलम शरीफ दे खत्मे पाक दे मौके दे उते महफिल शरीफ सजाई गई है। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ है कि अल्लाह करीम मरहूम नू जन्नतुल फिरदौस दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए और साडा सारयां दा इत्थे हाजिर होना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। उन्होंने लवाहकीन नू बेटियां नू सब नू सबरे जमील अता फरमाए। मैनू हुक्म फरमाया है मेरे बड़े प्यारे और पुराने दोस्त मेरे हम मकतब साथी रहे ने मोहतरम जनाब हाफज मोहम्मद जोहेब अली साहब अल्लाह ताला इन्हां दे नाना जान दी कामिल बख्शिश फरमाए। इन्होंने हुक्म फरमाया मैं हाजिर हाँ इंशाअल्लाह ताला जेड़ा टाइम दसे इंशाअल्लाह उस टाइम तू को दो त्रै मिनट पहले ही हाजिरी मुकम्मल हो जाएगी। मैं और तुसी सारे इसाले सवाब की महफल के अंदर हाजिर हाँ इसाले सवाब करन वास्ते इन्होंने इकट्ठ किया वे लोग ही पुछते ने दसो जी इसाले सवाब कित्थे वे तुसी सारे हाजिर होए हो मैं और असा सारे जमा होने का साड़ा मकसद की है असी हाथ उठा के मरहूम दे वास्ते दुआ करांगे अल्लाह ताला उन्हां दे दरजात बुलंद फरमा देगा। असी नमाज पढ़ने उहदे अंदर दुआ मंगने रब्बा ना गफिरली वाली वाली दैया अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच बख्शिश मंगी जांदी है अपनी भी ते अपने वालदैन दे वास्ते भी। ये दुआ बंदा हर नमाज दे विच पढ़दा वे और हर बंदा ही पढ़दा वे वह भी बंदा नमाज दे विच दुआ पढ़दा जिहदे वालदैन हयात ने ते वह भी पढ़दा जिहदे वालदैन इस दुनिया दे तों टुर गए दे ने। जरूरी नहीं शर्त नहीं कि वही बंदा पढ़े जिहदे वालदैन इस दुनिया दे तों टुर जाण नहीं बल्कि दोनों सूरतों के अंदर इसाले सवाब हो रहा वे। दूसरी चीज है वे कि मैं जनाब का ज़िन साजी कर लवा कि बंदा नमाजे जनाजा पढ़न जानिया सी मैयत नू सामने रख के तो दुआ की मंगी जाती है अल्लाहुम्मा ग़फिर ली हय्यिना व मैयतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना ये दुआ मंगी जाती है मैयत नू सामने रख के तो दुआ की मंगी जा रही है अल्लाहुम्मा ग़फिर ली हय्यिना व मैयतिना एला बख्श दे हम जिंदों को और मुर्दों को। मैयत को सामने रख के पहले जिंदों की बख्शिश मांगी जा रही है चाहिदा तो यह कि पहले मुर्दों की बख्शिश मंगी जाती। उलमाए किराम फरमाते ने कि अल्लाह ताला दी बारगाह दे विचों जिंदियां दी बख्शिश मंगो जदों ये सारे जिंदियां दी अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देगा इन्हां दी बख्शी हुई जुबान दे विचों जदों मुर्दे वास्ते दुआ निकलेगी अल्लाह ताला उस दुआ नूं की कर लैंदा है कबूल फरमा लैंदा वे। मैयत नूं सामने रख के भी की हो रहा है इसाले सवाब हो रहा वे। मेरे करीम आका अली सलातु सलाम दे गुलामो तुसी सारे दूर दराज तो सफर करके आए हो और साडा इत्थे हाजिर होने का जमा होने का मकसद यही है बस कि पता नहीं किधी हाथ उठ के अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर बंदा दुआ करे किधे उठे हथां दी अल्लाह लाज रख के मरहूम की कामिल बख्शिश फरमा दे। कोई भी बंदा किसी ने मुंह बखान नहीं आता फकत यही आदत है यही तमन्ना दिल की कि अल्लाह ताला मरहूम की कामिल बख्शिश फरमा दे। मैं जिहड़ी आया करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुम्हारे रब का ये फैसला है तुम्हारे रब का ये हुक्म है कि तुम मेरी इबादत करो और किसी को मेरा शरीक ना बनाओ और अपने वालदैन के साथ अच्छा सलूक करो। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं और तुझी सारे इबादत की करने
अल्लाह ताला दी। और असी कहने वादा उला शरीक है, उदा कोई भी शरीक नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि दो कम करन तो बाद तुसा अपने वालदैन दे नाल अच्छा सलूक करना वे। अजीजा ने गिरामी कायनात दे अंदर सब तू जड़ी अल्लाह हस्ती औलाद दे वास्ते वालदैन हुंदे ने, ते बाप है जेड़ा ए मजाजी रब दी हसीयत रखदा वे। मेरे करीम आका अली सलात व सलाम दे गुलामो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरे उत्ते अल्लाह राजी हो जाए तो वह बंदा अपने वालदैन नू राजी कर ले, वह अपने वालदैन नू की कर ले, राजी कर ले। वालदैन राजी हो जाण ते अल्लाह ताला दी जात भी की हो जाती है, राजी हो जाती है। तो जिन्हां दे वालदैन इस दुनिया तो टुर गए ने, पुछो उन्हां दे कोलों वालदैन की कदर की है। जदों ये दुनिया दे तू एक बार टुर जाण ते फिर दोबारा वापस नहीं आते। तो मियाँ साहब ने बड़ी कमाल की उकासी बयान की है, आओ दीदाने गिरामी मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम दे गुलामो, मियाँ साहब फरमाते ने बड़ी कमाल दी उकासी बयान फरमाई। आप फरमाते ने सुखे रुख हरे नहीं हुंदे, ते इना गरिया सुख जाना ते मोए बंदे ए कर नहीं आंदे, ते इना जींदियां भी मर जाना। जानी गिरामी जिन्हां नूं जनाबे वाला जिन्हां नूं अल्लाह ताला ने वालदैन जैसी हसीन जमील ने मदद अता कीती है, अल्लाह दे नबी अली सलातु सलाम ने फरमाया लोगो अगर कोई चाहता है कि अल्लाह की जात मेरे उत्ते राजी हो जाए, मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम ने फरमाया वे कि वह जनाबे वाला अपने वालदैन नू राजी कर ले। जदू वालदैन बंदे दे राजी हो जाएंगे, अल्लाह की जात मेरे उत्ते राजी हो जाएगी। आओ मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम दे गुलामो, मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया वे ऐ लोगो जड़ा भी माँ ते बाप दा ताबेदार बेटा अपने वालदैन दे विचों किसी एक दी ज़ियारत करदा वे, मुस्कुरा के उहदे चेहरे दी तरह वेखदा वे, अल्लाह नूं मकबूल अज दा सवाब अता फरमांदा वे। सहाबा किराम दी बारगाह दे अंदर अल्लाह दे नबी ने जदों इरशाद फरमाया वे नक्शबंदियां दा पीर हज़रत सय्यदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आ मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम दी बारगाह दे अंदर आ गए ने, आ के अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह ए बदुआ दे मुकड़े वालिया बल्लैल दिया जुल्फा वालिया ए सोनिया तुसें इरशाद फरमाया वे कि जेड़ा अपने मां ते बाप की जियारत करदा वे या दोनों विचों एक की जियारत करदा वे अल्लाह नू मकबूल अज दा सवाब अता फरमांदा वे। अल्लाह दे नबी ने इरशाद फरमाया वे ए अबू बकर हाँ हाँ जेड़ा मां या बाप की जियारत करदा वे अल्लाह नू मकबूल अज दा सवाब अता फरमांदा वे। हज़रत सय्यदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हथ बन के खड़े हो गए ने, अर्ज कीती सोनिया जे अगर किसी का बाप काफर होवे ओदे वास्ते की हुक्म है। मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम ने फरमाया ऐ अबू बकर बाप काफर होवे अल्लाह तवाब दा सवाब अता फरमा दिंदा है। हज़रत सय्यदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे करीम आका अली सलातु सलाम नूं पता है कि जनाब अबू बकर सदीक दे वालद ने अजे कलमा नहीं पढ़िया, अजे कलमा हज़रत अबू काफा अजे एक मुसलमान नहीं होए। आओ मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम दे गुलामो हज़रत सय्यदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जनाबे वाला जिदू इन्नी गल सुनी है, मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम ने फरमाया वे ऐ अबू बकर तेरा बाप काफर है अजे मुसलमान नहीं होया, तेरे वास्ते हुक्म है तू अपने बाप दे चेहरे नूं तकेगा अल्लाह तवाब दा सवाब अता फरमाएगा। हज़रात मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम दी बारगाह दी
ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਨਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਖਰਾਮਾ ਖਰਾਮਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆਵੇ, ਬਾਪ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਮਕਬੂਲ ਅਜਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਏ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਓਏ ਲੋਕਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪਿਆ ਗੂੰਜਦਾ ਵੇ, ਓਏ ਬਾਪ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਤਵਾਬ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵੇ, ਅਬੂ ਕਾਫਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਆਇਆ ਵੇ। ਅਬੂ ਕਾਫਾ ਬੜੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਬੂ ਕਾਫਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਲਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਦੇ ਬਾਪ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਟਿਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਪਈ ਏ, ਓਏ ਬਾਪ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਿਆ ਅੱਲਾ ਤਮਾਮ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਓਏ ਲੋਕਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਬਾਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਜਨਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਲੋਗੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਤਾਲੀਬਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਕਾਫਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਆਖਿਆ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੂੰ ਹਿੱਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਸ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਓਏ ਲੋਕਾ ਇੰਨਾ ਹੁਸੀਨੋ ਜਮੀਲ ਨਬੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੋਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਯਾ
हर कोई जुबान खामोश ना रवे मेरे नाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर दी शान बयान करो मेरे नाल साने कहो ताहा दी शान वाले आ अरिशांत जान वाले आ शान तेरी बल्ले बल्ले रब भी दुरूद कले पैरिया दे पैरा थले चादरा बिछान वाले आ अरिशांत जान वाले आ चादरा बिछान वाले आ हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो आप दे बाप जनाबे वाला मेरे मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर आ गए ने ते आ के अर्ज करदे ने शान तेरी बल्ले बल्ले रब भी दुरूद कले पैरियां दे पैरां थले चादरा बिछान वाले आ अरिशांत जान वाले आए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे बाप ने जनाबे वाला हुज़ूर दी शान बयान कीती है अर्ज कर देने सोनिया तू ही सच्चा है तेरा कलाम भी सच्चा है तू अल्लाह दा सच्चा नबी है सच्चा है कलाम तेरा उच्चा है मुकाम तेरा सच्चाए कलाम तेरा आयता सुनाने वाले आ अरशांत जान वाले आयता सुनाने वाले आ हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो बाप नु नाल लैके सरकार दी बारगाह दे अंदर आ गए आगे अर्ज की या रसूल अल्लाह सोनिया बड़ी सोहनी तरबियत की जे मेरे पुत्र दी बड़ी सोहनी की कीती है तरबियत की जे मेरे पुत्र दी मैनू भी कलमा पढ़ा के अपने गुलामां अंदर शामिल फरमा लो हैं मैनू भी कलमा पढ़ा के अपने आओ दी जाने की रामी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जनाबे वाला बाप की बड़ी इज्जत की है बाप की खिदमत की है बाप का अदब एहतराम किया वे बाप के सामने अपने लबा नु सी लिया वे ओए लोगों जिन्हां दे मां ते बाप याद ने ओए लोगों अपने मां ते बाप की इज्जत करिया करो अपने मां ते बाप दे नाल अच्छा सलूक करिया करो मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम दे गुलामो अल्लाह दे नबी ने बड़ी सोहनी तरबियत की थी अपने गुलामा दी हजरात मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम दी बारगाह दे अंदर हजरत अबू काप आ गए ने अर्ज की थी सोनिया बड़ी सोहनी तरबियत की थी मेरे बेटे दी मैं भी ये तरबियत देख के मुतासर हो गया मैं मैनू भी कलमा पढ़ा गए अपने गुलामा के अंदर शामिल फरमा लो हजरात मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम ने हजरत अबू काबा नु कलमा पढ़ा गए अपने गुलामा के अंदर शामिल कर लिया वे ते अबू काबा ने कलमा की पढ़िया वे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा अल्लाह जेड़ा उची आवाज दे नाल कलमा पढ़े ते वक्त निजा दे वक्त उदी जुबान दे उते कलमा भी जारी हो जाए ते कलमे वाले दा दीदार भी नसीब हो इस तू वड्डी और दुआ कोई नहीं तुसा सारे पढ़ो पता नहीं कितनी जुबान दे विच ये कलमा अल्लाह की बारगाह अंदर मकबूल होके ते मरहूम की कामिल बख्शिश हो जाएगी सारे मेरे नाल पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इल्लल्लाह इस कलमे दे राज़ नियारे ने इस डूबदे बेड़े तारे ने सानू दसिया कमली पाले ने पढ़ो ला इलाहा
विच कबर दे दिल घबरावेगा उथे कोई ना तेनू बचावेगा विच कबर दे दिल घबरावेगा उथे कोई ना सानू बचावेगा उथे कमली पाला आवेगा पढ़ो लाइला। हजरत अबू काफा ने कलमा पढ़ लिया, मेरे करीम आका अली सलातु सलाम दे गुलाम च शामिल हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जेड़ा माँ या बाप के चेहरे नूं तके ते अल्लाह नूं की दिंदा वे मकबूल अजदा सवाब अता फरमांदा वे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जी या रसूल अल्लाह सोना हाजर हाँ। हुजूर ने फरमाया पहला बाप के चेहरे नूं तकिया सी आ, अल्लाह ने तेनूं तवाब का सवाब अता फरमाया सी, हुण तेरा बाप बन गया मोमन साडा गुलाम बन गया, आ चेहरे नूं तक लै अल्लाह तेनूं भी मकबूल अजदा सवाब अता फरमा छड़ेगा, अल्लाह तेनू भी मकबूल अजदा सवाब अता फरमा देगा। हजरात बंदा लखा दे करोड़ा रुपये लगा के बंदा जनाब हज करन टुर जे, जो मर्जी करता रहे बंदा हज कर ले उमरे कर ले सारिया फैमलियां नाल लैके बंदा टुर जे, उहदी कोई गरंटी नहीं कबूल है या नहीं। लेकिन अल्लाह दे नबी ने जिहड़ी सानू गरंटी दे दित्ती है सारी कायनात दे लोगों की, कौल दे अंदर तजाद हो सकता झूठ हो सकता वे, लेकिन आमना दे लाल दा किसी भी कौल दे अंदर कोई भी झूठ हो सकता, कोई भी कौल झूठा हो सकता नहीं। हुजूर ने इरशाद फरमाया सुबह उठते ही बाप दे चेहरे नूं तको, मुस्कुरा के मां दे चेहरे वल तको, अल्लाह मकबूल अज दा की अता फरमा देगा सवाब अता फरमा देगा। मां ते बाप की खिदमत अज दे दौर दे अंदर सब तो ज्यादा जेड़ा अलमिया वे, लोग अपने वालदैन के नाफरमान बन गए ने, लोग जनाब वालदैन बुढ़े हो जाते हैं उन्होंने धक्के मारते हैं। आओ मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम की बारगाह के अंदर, आओ ग्रामी मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम की बारगाह के अंदर जनाबियों एक नौजवान आया वे, अल्लाह दी नबी दी बारगाह के अंदर जनाबियों एक गुलाम आया वे, मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम दी बारगाह दे अंदर आया वे कल्ला नहीं आया, ओ दे नाल जनाबियों लादा बाप हुजूर दी बारगाह दे अंदर आ गया वे। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप जनाबियों ला चीज़ दियां रावियां ने, आप फरमांदियां ने लोगो अल्लाह दी नबी दी बारगाह दे अंदर जनाबियों ला एक नौजवान आया वे, कल्ला नहीं आया जनाबियों ला एक बाबा वे। मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम ने फरमाया ए मेरे गुलामा ए जना बाबा ए कौन है, अर्ज की रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ए सोनिया ए जना बाबा कोई गैर नहीं बल्कि मेरा बाप है। हजरात मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम ने फरमाया ए मेरे गुलामा ए बाबा अगर तेरा बाप है इस बाप दे तेरे उत्ते चार हक ने, इस बाप दे तेरे उत्ते चार हक ने, इन्हां चारा हकां नूं इन्हां चारा कम्मां उत्ते अमल करना तेरा काम है, पां फड़ के जन्नत विच लै के जाना मेरा काम है, जन्नत विच लैके जाना मेरा काम है। अर्ज कीतियां रसूल अल्लाह तेरे चार हक ने, मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम ने फरमाया ए मेरे गुलाम है बाबा अगर तेरा बाप है इस बाप का पहला हक तेरे उत्ते है वे, तू ते तेरा बाप जदू किसी जगह के अंदर जावो, तू ते बाप जदू किसी जगह के अंदर जावो अपने बाप के कदमों के अगे कदम नहीं रखने, अपने बाप के कदमों तू अगे कदम नहीं रखने, या रसूल अल्लाह एक हो गया दूसरा की हुक्म है। मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम
ने फरमाया ए मेरे गुलामा कदे भी जिंदगी दे अंदर बाप दे नाल किसे महफिल दे अंदर जावे जदू तक तेरा बाप थले ना बह जाए उदू तक तू थले नहीं बहना। पहले अपने बाप नू बहन की जगह देनी है। या रसूल अल्लाह दो हुक्म हो गए ने, तीसरा की हुक्म है? मेरे करीम नबी अली सलातु वसलाम ने इरशाद फरमाया ए मेरे गुलामा अगर तेरा बाप है इस बाप का तीसरा कि कदे भी ना लैके अपने बाप नूं आवाज ना मारी, कदे भी ना लैके अपने बाप नूं आवाज ना मारी। अल्लाह दी कसम है मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया वे अपने बाप नूं जदों भी आवाज मारनी है अपने बाप दे नाल बड़ी नरमी दे नाल कलाम करनी है अपने बाप नूं बड़े प्यार दे नाल बुलाना वे ए ओ बाप इहदे नाल जदों कलाम करना वे बड़े मिठे लहजे दे नाल कलाम करना वे बड़े प्यारे जे लहजे नाल कलाम करना वे ए लोगो अज जनाबे ना जड़े औलादां वाले हो गए ने बीबी दे कहण दे उत्ते धक्के मारदे ने बीबी दे कहण दे उत्ते बाप नूं गंदा ते बुरा भला कहिंदे ने। मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम ने फरमाया वे अगर तेरा बाप है अपने बाप दा नां लैके आवाज नहीं मारनी या रसूल अल्लाह तेनूं हुक्म हो गए ने, चौथा की हुक्म है? मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम ने फरमाया ए मेरे गुलामा अपने बाप नूं कदे भी गाली नहीं देनी। या रसूल अल्लाह वे कोई मुसलमान है जेड़ा अपने बाप नूं गाली दवे? मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम ने फरमाया बला तस्ता सिपा लाहू, या रसूल अल्लाह एदा की मतलब है? मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम ने फरमाया ए मेरे गुलामा तू किसे दे बाप नूं भी गाली नहीं देनी, तू किसे दे बाप नूं भी गाली नहीं देनी। ओए लोका ओए मेरे नबी ने फरमाया है कि तू किसे दे बाप नूं भी गाली नहीं देनी ताकि कोई जवाब अंदर तेरे बाप नूं भी गाली ना दे। चार हुक्म ने, इन्हां चारां कम्मां दे उत्ते अमल करना वे। मेरे करीम आका अली सलातु सलाम दे गुलामों, अल्लाह दे नबी अली सलातु सलाम दे नाल प्यार करन वाले हो, मां ते बाप दा बड़ा अदब बड़ा रुतबा बेना दा। आओ मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम दे गुलामों, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम दा गुलाम है। आपने फरमाया है, अल्लाह दे नबी अली सलातु सलाम ने फरमाया है कोई भी बंदा अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकता। गुलामा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर कोई हक अदा करना चाहे तो किवें करे? मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम ने फरमाया कोई भी बंदा अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकता। ओए लोगों हक बंदा किवें अदा कर सकता वे? जिस बाप ने जनाबे वाला औलाद नू जवान किया वे, इस औलाद नू पढ़ाया लिखाया वे, इस औलाद की शादी की है, इनू खूबसूरत मकान बना के दिता वे, एदा जनाबे वाला यारां दोस्तां दे नाल तारुफ की करवाया वे, उस बाप का हक बंदा किवें अदा कर सकता वे? गुलामा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर कोई बंदा अपने बाप का हक अदा करना चाहे तो की करे? मेरे करीम नबी सलाम तू सलाम दे गुलामो इको ही सूरत है, इको ही सूरत है। बंदा वेखेगे ओदा बाप अगर किसे दा गुलाम है, ओदा बाप अगर किसे दा गुलाम है। मैं सादे लफ्जां दे अंदर गल करदियां, मेरे करीम नबी अली सलाम तू सलाम ने फरमाया कोई भी बंदा अपने बाप दा हक अदा ही नहीं कर सकता। गुलामा ने अर्ज की सोनिया अगर कोई बंदा हक अदा करना चाहे तो की करे? मेरे करीम नबी अली सलाम तू सलाम ने फरमाया इको ही सूरत है, बंदा देखे ओदा बाप किसे दा गुलाम है, ओदा बाप किसे दा नौकर है, ओदा बाप जिना बेला सादे लफ्जां दे अंदर गल करदियां, अज दे दौर दी गल करदियां, अगर किसे दा गुलाम है ओदा बाप अगर किसे चौधरी दे घर दा मुलाजम है, ओदा बाप अगर किसे चौधरी दे पट्ठे पांदा वे, ओदा बाप गोद ते खलो के मिस्त्रियां नूं ईटां दे रिहा वे, ओदा बाप चौधरी दे पट्ठे ब्याह बढ़दा वे। ओए लोगो मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम ने फरमाया ऐ मेरे गुलामा इको ही सूरत है
अपने बाप नत के जनाबे वाला दातरी छड़ा गए, अपने बाप न मिस्त्री के पिछू गोदे तू ला गए, अपने बाप न जनाबे वाला गुलामी बिचू आजाद करवा गए, पूरी जिंदगी ओदे हिस्से का काम अपने जुम्मे ला ले, ओदे हिस्से का काम अपने जुम्मे ला ले, ओदे हिस्से की मजदूरी अपने जिम्मे ला ले। एक ही सूरत है तुसी अपने बाप का हक अदा कर लोगे। गिरामी दूसरी गल कर लगावा, बाप ने जना बेला पुत्रां दी बड़ी अच्छी तरबियत की, इन्हां पुत्रां नूं जना बेला पढ़ा लिखा के जवान किया, इन्हां दी शादी की, पुत्र जना बेला बच्चियां वाले हो गए ने, बाप जना बेला बुढ़ा हो गया वे, बाप जनाबे वाला बुढ़ापे नूं पहुंच गया वे, ये जनाबे वाला परेशान ने पुत्र। एक दिन जनाबे वाला सारे पुत्र जमा हो गए ने, कट्ठे हो गए ने, बड़ा पुत्र बोल के कहंदा, मेरे भाइयों साडा बाप हुण जनाबे वाला बुढ़ा हो गया वे, इहदी खिदमत करन दा बड़ा मसला वे, इहनूं रोटी देण दा बड़ा मसला वे। ये जनाबे वाला सारे भरा आपस दे अंदर जमा हो गए ने, बड़ा भरा कहंदा वे, अठ दिन रोटी मैं दे दियांगा, छोटा कहंदा वे, अठ दिन रोटी मैं दे दियांगा, तीसरे नंबर वाला बोल के कहने, अठ दिन रोटी मैं दे दियांगा। लोगों जेड़ा सब तू छोटा वे, चौथे नंबर वाला वे, कहने हया करो, ये साडा बाप है, कोई गैर ते नहीं ना। ये जनाबे वाला सारे भरावां ने पूछा वे की करना चाहिए वे, कहंदा मेरे को पूछो, मैं ते यही कहना वा कि तीन जने जायदाद ले लो, एक जना बाप ले ले। आखिरी गल कर रहा बई, छोटा बोल के कहना, यार ए बाप है साडा, उन्हें कहा तू की कहना वे, कह लगा मैं तो कहना कि तीन जने जायदाद ले लैन ते एक जना बाप ले ले। उन्हें कहा इस तू वड्डी होर केड़ी गल है, तू ये मशवरा जो दिता तू आपे फिर बाप रख लै, तो असं तीन जने जायदाद रख लाँगे। उन्हें कहा ठीक है, मैनू यह सौदा मंजूर है बिल्कुल। आओ मेरे करीम नबी अली सलातु सलाम दे गुलाम बड़िया तीनों ने जायदाद लै ली है। इमामे बैकी फरमाते ने बड़ी कमाल की जनाबे वाला हकायत बयान की है, आप फरमाते ने तिना ने जायदाद मल ली, चौथे नंबर वाले सब तू छोटा वे, इन्हें बाप न मलिया, जिन्हों के बाप जनाबे वाला हयात ने अपने बाप की खिदमत कर लो। मैं जनाबे वाला बुढ़िया बाबिया रोंदिया वेखिया वे, जदों बाप की जनाबे वाला शान बयान की जाए, जदों माँ की अजमत बयान की जाए, ये जनाबे वाला चिट्टिया दाड़िया वाले रोंदिया वेखिया वे, कहते ने मौलवी जी सानू जिंदगी के अंदर रज के माँ के बाप की खिदमत करन दा मौका नहीं मिलिया, सानू रज के इन्हां दी सेवा करन दा मौका नहीं मिलिया। लोगों रबे काबा की कसम है, जिन्हों के मां के बाप याद ने, इन्होंने को बड़ा अच्छा मौका है, अपने मां के बाप की खिदमत कर लो। हजरात पुछो उन्होंने कोलू जिन्हों के बाप दुनिया के तू टुर गए ने, पुछो उन्होंने कोलू जिन्हों का बाप दुनिया के तू टुर गया वे, आदिया ने जद याद वफावा बाप दिया, अथरू निकलण वे फिकरावा बाप दिया, आदिया ने जद याद वफावा बाप दिया, अथरू निकलण वे फिकरावा बाप दिया, ते अपने कसती अपने जाने भी बेच दिंदा, बच्चियां दे लियो सारा कुछ ही बेच दिंदा, अपने कसती अपने जान भी बेच दिंदा, बच्चियां दे लई अपनी आन भी बेच दिंदा, बच्चियां दे नल ओए बच्चियां दे नल चल दिया सामा बाप दिया, बच्चियां दे नल चल दिया सामा बाप दिया,
अथरू निकलन वेख के रामा पाप दिया आदियां ने जद याद वफावा पाप दिया अथरू निकलन वे के रामा बाप दिया अजी जानी की रामी छोटे पुत्र ने जनाबे वाला बाप नू ले आवे हूं जनाबे वाला मजदूरी करन जांदा वे रात नू कमाई करके आंदा वे खाना तैयार करके सब तू पहला बाप नू खाना खिलांदा बच्चियां तू पहला बाप नू खिलांदा वे हूं जनाबे वाला बुढ़ापी उम्र सी ज्यादा उम्र हो गई सी आखिरी वक्त करीब आ गया वे ए जनाबे वाला बाप भी इज्जत करन वाला बाप भी सेवा करन वाला बाप भी खिदमत करन वाला बाप भी बड़ी इज्जत करदा रिया वे जदू बाप का वक्त निजा करीब आया पुत्र नू कोल बुलाया फरमाया बेटा तू अपनी जायदाद वड्डे भरावां दे नाल ना दित्ती है हूं तू कल्ला रह गया मैं तेरे कोल कोई चीज दुनिया की नहीं रह गई अर्ज की बाबा अगर मैनू दुनिया की लालच हुंदी ते मैं तेनू ना लेंदा अगर मैनू दुनिया की लालच हुंदी ते मैं तेनू ना लेंदा मैं तेनू लैके इस वास्ते मैनू दुनिया की लालच ही कोई नहीं मैनू दुनिया की लालच ही कोई नहीं ए मेरे बाबा मैं तेनू लैके आ गया मैं बड़ा खुश हाँ हजरात बाप बोल के कहना बेटा मैं आखरी मेरा वक्त करीब आ गया वे मेरा आखरी वेला करीब आ गया वे मंग मेरे कोलू की मंगना वे अर्ज की बाबा अगर तू ज्यादा मेरे उत्ते राजी है अल्लाह दी बारगाह दे अंदर तू उठा के दुआ कर दे ए मेरे मौला ए मेरा पुत्र है इन्हें मेरी बड़ी सेवा की है फरशाई उत्ते मैं राजी हाँ फरशाई उत्ते मैं राजी हाँ अरशाई उत्ते तू राजी हो जा मेरे बाबा अगर तू मेरे उत्ते राजी है अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ कर दे ए मौला मैं अपने पुत्र दे उत्ते राजी हो गया मैं तू भी दे उत्ते राजी हो जा हजरात बाप ने जनाबे हाथ उठाए ने दुआ मंगी है मुंह दे उत्ते हाथ फेरिया वे हजरात बाप की जान कबज हो गई है बाप फौत हो गया वे ते बाप ला तेरिया जुदाइया सानू मारिया वे बाप ला तेरिया जुदाइया सानू मारिया वे बाप ला तेरिया जुदाइया सानू मारिया आपे गुण डिगना आपे गी संभलना अख हूं कौन उठे अख दे तारिया दे बाप ला तेरिया जुदाइया हजरात बाप फौत हो गया वे बाप दी तदफीन करन तो बाद जिना पहला चंद दिन तो बाद बेटा दोबारा काम दे उते गया वे पहले दिन काम कोई नहीं मिलिया गुरबत इनी हालात इस तरह देने कम कर गया ना दे बच्चियां नू खाना खिलाना नहीं करेगा दे भूखे सोना पवेगा पहले दिन गया वे कोई भी मजदूरी नहीं मिली दूसरे दिन गया कोई मजदूरी नहीं मिली अर्ज कर दे मौला कैसी दुआ की मेरे बाप ने तीन दिन हो गए ने कोई काम नहीं मिलता पिया ए लोगो जेड़े जनाबे वाला अपनी मईशत का जनाबे वाला कहते ने जरिया म्याश जनाबे वाला बड़ा कमजोर है अपनी मां के बाप के कोल उतना लैके दुआ करिया करो ए रब्बे काबा की कसम है जरिया म्याश ठीक हो जाएगा हजरात पहले दिन जनाबे वाला अर्ज करदा वे ए मेरे मौला मेरे बाप ने चंगी दुआ दी है तीन दिन हो गए ने काम कोई नहीं मिलया रात नू आके सुते खाब के अंदर जनाबे वाला सुता वे खाब के अंदर जनाबे वाला किसी ने इशारा किया वे फुलान जगह ते तेरे वास्ते 100 दिरम ने कहना मेरे वास्ते ना दिरमा दे अंदर बरकत है वे नहीं कहना मैं ना उन्होंने दिरमा नू की करना वे जिदे अंदर मेरे वास्ते बरकत कोई नहीं ओए लोगो दूसरा दिन गया वे जनाबे वाला रात नू सुता वे दोबारा इशारा आया वे फुलान जगह दे तेरे वास्ते 10 दिरम ने पूछा मेरे वास्ते 10 दिरमा दे अंदर बरकत है वे नहीं कहना मैनू इन्हां दिरमा दी कोई जरूरत नहीं जिदे अंदर मेरे वास्ते बरकत कोई नहीं तीसरी रात सुता वे दोबारा इशारा आया वे फुलान जगह दिते जिते परस
महसूस हो कल दस ते अज एक दिरम है हूं तेरे वास्ते उथे एक दिरम पिया वे पुछदे मेरे वास्ते दे अंदर बरकत है वे अगू आवाज आई अल्लाह ताला ने दे विच तेरे वास्ते बरकत रखी हुई है हजरात ने जनाब वाला दिरम लैन गया वे दिरम फड़िया वे इस सस्ते जमाने ने जनाब वाला मच्छी खरीद ली बच्चे जनाब वाला कई दिन तू भुके ने इन्हां मां ते मच्छी खरीद के लै के आंदा वे बीवी नू आके मच्छी दिती है जदों बीवी ने पैर चा कीता विचों दो मोती निकले ने बीवी ने दोनों मोती जनाब वाला खामद नू दिते ने खामद मोती लैके जनाब वाला सुनार की दुकान दे ते चला गया वे चोरी दे कोल गया वे जाके कहंदे इन्हां मोतियां दी कीमत की है चोरी बोल के कहंदे इन्हां दी कीमत दुनियादार कोई नहीं दे सकदा इन्हां दी कीमत तुहानू कोई आम बंदा नहीं दे सकदा ए दी कीमत तैनू बादशाह ही दे सकदा वे जदों बादशाह दे दरबार दे अंदर गया वे बादशाह नू जनाब वाला सारे जोरियां ने आख्या वे ए बादशाह अपनी सारी बादशाही लुटा दे ए मोती ना जान दई बादशाह ने पुछया दस की मंगना वे कहंदा 100 ऊंट ते जनाब वाला सोने चांदी दे लद के दे दे बादशाह ने 100 ऊंट जनाब वाला सोने चांदी दे लद के दे दिते ने ए जनाब वाला ऊंटा दी मुहार पकड़िए घर आ गया वे सोना चांदी अपने घर दे अंदर ढेर कर लिया वे ऊंटा दी कदार बार बन्नी हुई है ए लोगो पाप ने दुआ की अल्लाह ने रंग ला दिते ने ओए लोगो जिन्हां दे बाल दैन हयात ने अपने मां दे बाप दी खिदमत करिया करो इन्हां दे कोलो दुआवां करवाया करो हूं जनाब वाला जोरी बादशाह दे कोल गए ने पिछू भी बादशाह दे कोल गए ने जाके कहंदे ने बादशाह ए देख लै किताब दा वल है जिथे मोती आउणगे दो हुंदे ने कल्ला मोती नहीं हुंदा इहना दूसरा मोती भी लभ बादशाह ने ऐलान करवाए ने पता चलिया दूसरा मोती भी उसी बंदे दे कोल है जदों बादशाह जनाब वाला वफद आ गया वे कहंदा मेरे जनाब वाला दसो बादशाह कहन लगा पहले तू मोती असां खरीदिया वे हुण जनाब वाला दूसरा मोती भी खरीदना वे बादशाह कहंदा हुण की लैणा दस कहन लगा बादशाह पहला सौदा तेरी मर्जी का सी हुण सौदा मेरी मर्जी का आना वे बादशाह बोल के कहंदा की लैणा चाहना वे ए जनाब वाला बोल के कहंदा पहला जो दिता सी हुण भी ओही दे दे बादशाह ने जनाब वाला 100 ऊंट होर दे दिते ने सोने ते चांदी दे लद के दे दिते ने ए जनाब वाला ऊंट लैके दोबारा घर आ गया वे हुण 200 ऊंट ते जनाब वाला सोने चांदी दे ढेर लगे होए ने किसी ने जाके दे तिना ब्राह्मण नूं दस्या वे ए तेरा सब तों छोटा भरा किते डाका मार के आया वे रातों रात अमीर हो गया वे तिने बिरा चल के कोल आ गए ने शरीक सन तिने आके कहंदे ने ए दस तैनू किवें नी जल्दी अमीर हो गया वे डाका किथे मार के आया वे कहंदा चुप कर जा ओए चुप कर जा मैं डाका ओदू ही मारिया सी जदू मैं जायदाद तुहानू दे दित्ती सी बाप आपे ले आया सा ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਬਰਕਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਜੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਪ ਐਸਾ ਸੁਰਮਾਇਆ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਫਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਧੀ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਪ ਗਏ ਯਾਰੋ ਕਰੇ ਘਰਦਾ ਨੂਰ ਉਜਾਲਾ
जिंदगी ओए जिंदगी दे पिछे ए डोलने नहीं देना ते बाप के घोंसले वाला विजदान साउंड सिस्टम विजदान साउंड अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे सियालकोट तो तशरीफ लैके आए अल्लाह ताला तुहानू मजीद तरक्कियां ते बरकतां अता फरमाए अल्लाह ताला तुहाडे कारोबार दे अंदर बरकत अता फरमाए। मैं दुआ गो हाँ कि अल्लाह करीम भाई मोहम्मद जोहेब साहब दे नाना जान और हाँ जी भाई मोहम्मद समीला साहब दे वालद ए माजिद बाबा जी गुलाम रसूल साहब अल्लाह उन्हां दी कामिल बख्शिश फरमाए मगफरत फरमाए उन्हां दी कबर दे उत्ते करोड़ां बार अपनी रहमतां दा नज़ूल फरमाए। जितने भी अहबाब तशरीफ लियाए तुसां हाथ उठा के दुआ मंगनी है अल्लाह ताला इन्हां उठे हाथों की लाज रख के मरहूम की कामिल बख्शिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।